बहुत ही कल जो भीमा कोरेगांव में जो घटना हुई है, तो ये असल में ये घटना क्या है, तो इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पक्ष क्या है जिसको लेके ये बात हुई है? कल की घटना के संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। देश भर के जो दलित हैं, दलित, बहुजन, मूल निवासी, जितने भी संगठनों के लोग हैं, तकरीबन 250 संगठनों के लोगों ने मिलकर के कल भीमा कोरेगांव में भीमा कोरेगांव जश्न मनाया। अभी ज्यादातर लोगों को यह समझ में आ रहा है या ये प्रचारित किया जा रहा है, और इसको यूं मान लीजिए कि दुष्प्रचारित किया जा रहा है कि भीमा कोरेगांव में जो स्मारक है वो अंग्रेजों की तरफ से दलितों ने मराठाओं के खिलाफ कोई युद्ध लड़ा हो, जबकि सच ये नहीं है। इसके विपरीत सच्चाई ये है कि जो पुणे शहर से 30 किलोमीटर दूर भीमा नदी है और उस पर बसा हुआ कोरेगांव है, वहां पर 1 जनवरी 1818 को पेशवाओं और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ। अंग्रेज सेना के जो 834 सैनिक थे उसमें 500 महार सैनिक भी थे, और इस युद्ध के होने से पहले महार सैनिकों के जो सेनापति थे सिद्धनाथ, उन्होंने पेशवा बाजीराव द्वितीय से जाकर के ये कहा कि हम आपके खिलाफ नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन आपने जो पेशवाओं ने जो महारों के खिलाफ एक मार्शल लॉ लगा रखा है जिसके तहत महारों को गले में हांडी बांधनी पड़ती है और पीठ के पीछे झाड़ू रखना पड़ता है और दिन दोपहर में ही वो निकल सकते हैं ताकि उनकी छाया दूसरे पर ना पड़े, आपने जो अमानवीय चीजें हम पर थोप रखी है इन चीजों को आप खत्म करो, तो हम अंग्रेजों की तरफ से नहीं लड़े। लेकिन बाजीराव पेशवा द्वितीय ने सिद्धनाथ को यह जवाब दिया कि हम आपको सुई इंच बराबर भी कोई अधिकार नहीं देंगे। तो आप ये समझिए कि ये अंग्रेज राज को बचाने के लिए महारों का मराठों के साथ या मराठा साम्राज्य के साथ युद्ध नहीं था, बल्कि उस वक्त के जो दलित महार थे वो चित्पावन ब्राह्मण पेशवाओं के अन्याय से मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो इसको आप दलितों के मुक्ति संघर्ष के रूप में लीजिए, और उस मुक्ति संघर्ष में 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं की सेना को धूल चटाई थी, नाकों चने चबाए थे और उनको परास्त कर दिया। ये अस्मिता की लड़ाई थी। ये अस्मिता की लड़ाई, ये विजय का मामला है, और इसीलिए इसको शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 200 साल पहले पेशवाओं का जो शासन का अंत किया महारों ने, उसकी याद में बाबा साहब अंबेडकर जब तक जीवित थे हर साल वो 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव जाते थे, वहां जो विजय स्तंभ बना हुआ है उसको नमन कर आते थे, और ये प्रथा एक रस्म के रूप में, जश्न के रूप में हर साल मनाई जाती है। इस साल ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि ये 200 साल हुए हैं, तो ये द्विशताब्दी वर्ष के रूप में देश भर के दलितों ने जाकर के वहां पर जश्न मनाया। लेकिन जब लोग वहां पहुंचे तो दुकानें पहले से बंद थी और घरों की छतों पर पत्थर लेकर के लोग तैयार थे, और भगवा झंडे लेकर के मोटरसाइकिलों पर घूमते हुए गुंडों ने पंचशील का झंडा और नीले झंडे लिए हुए जो दलित लोग आए हुए थे उन पर हमले किए, खुल करके बसें जलाई, गाड़ियां तोड़ दी, कई भंते घायल हो गए और एक दलित उसमें मारा भी गया। तो आप इसको यूं समझ सकते हैं कि 200 साल बाद पेशवाओं ने फिर से महारों, दलितों, इस देश के मूल निवासियों के खिलाफ एक जंग का ऐलान किया है। तो कल की घटना नितांत भर्त्सना योग्य है, और ये सीधे सीधे तौर पर भगवा जमात का दलितों पर हमला है।
भगवत जी, जैसे आप दलित आंदोलन से बहुत लंबे समय से जुड़े रहे, तो आज के संदर्भ में अगर ये एक दलित अस्मिता, बराबरी की, मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना के रूप में अगर ये विजय दिवस मनाया जा रहा है, और ये जो घटना हुई है, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि आने वाले समय में, या कल या परसों में, आने वाले समय में कोई लंबा नहीं, एक या दो दिन में ही कह रहा हूं, तो इसका पूरे देश भर में किस तरीके से माहौल होगा और कैसे लोग इसको समझेंगे? देखिए, देश भर में इस समय दलित चेतना का उभार जो है वो अपने चरम पर है, और अभी कई माध्यमों की वजह से लोग छोटी से छोटी चीजों के बारे में जान रहे हैं। आप इसको रोहित वेमुला की बात से समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग खड़े हो रहे हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं। तो कल जिस तरीके से दलितों पर हमला हुआ और आज तक वहां पर 1,500 लोग फंसे रहे हैं, सरकार ने कोई सुध नहीं ली, पुलिस मूक दर्शक बनकर के देखती रही, तो इसकी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। क्योंकि कल जो लोग वहां जमा हुए थे वो केवल महाराष्ट्र के लोग नहीं थे, वो देश भर से आए हुए लोग थे, और ये बात पूरे देश में फैली है कि भीमा कोरेगांव में दलितों के साथ क्या हुआ है। शांतिपूर्ण तरीके से हजारों दलित वहां पर पहुंचे, उन्होंने किसी पर हमला नहीं किया, उन्होंने किसी की गाड़ी नहीं जलाई, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन पर हमला हुआ, उनके व्यक्ति को मार दिया गया, लोग घायल हुए, संपत्ति को नुकसान हुआ, लोगों को पीने को पानी तक नहीं मिला, कहीं शरण नहीं मिली, और उस मामले में पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, हाथ में हाथ धरी, प्रशासन और शासन बैठा रहा। किसी देश के बड़े लीडर ने, इवन वहां के सीएम ने या पीएम ने, किसी ने इस घटना की निंदा करने की जरूरत नहीं समझी, तो प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। दलित आक्रोश तो प्रकट करेगा ना, वो कहीं कहीं तो कुछ करेगा। आज जब वो सड़कों पे उतरा, आपने सुना ही होगा कि पूरे महाराष्ट्र में 13 जगहों पर दलितों ने जबरदस्त तरीके से अपने आक्रोश को अभिव्यक्त किया, अपने लोकतांत्रिक फ्रेमवर्क में अधिकारों अपने का जो आक्रोश को अभिव्यक्त कर रहे दलितों कि गुस्से को आप ठीक से बताने के बजाय आप ये कह रहे हैं कि उनकी वजह से सड़कें जाम हो गई, उनकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाए, उन्होंने जैसे बहुत लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले लिया, यानी कि हालत यह है कि आप तो उनको इतना जस्ट मनाने देना ये जो चाहते हैं। मीडिया है इसको गलत तरीके से जनसामान्य में फैलाने का काम कर रहा निश्चित रूप से जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि वो अंग्रेजों की जीत का जश्न मनाने वहां पहुंचे थे, है, जबकि वो बराबरी के लिए गए थे। बिल्कुल ये अंग्रेजों की जीत का जश्न था ही नहीं। भीमा कोरेगांव का युद्ध अंग्रेज राज को बचाए रखने का युद्ध नहीं था, बल्कि बर्बर पेशवाओं के राज का अंत करने के लिए दलितों के आक्रोश की अभिव्यक्ति थी। अगर ये मामला है तो हम आए दिन देख रहे हैं पूरे देश भर में नेशनल क्राइम ब्यूरो के जो डेटा आते हैं उसके आधार पर ये देखा है कि ये गैर बराबरी, अमानवीय व्यवहार लगातार दलितों के साथ हो रहे हैं, हर रोज हो रहे हैं। तो ये जो घटना है और लोगों के अंदर जो आक्रोश है बराबरी हासिल करने का, तो क्या ये दोनों मिलके एक बड़ा रूप लेंगे? निश्चित रूप से जैसा महाराष्ट्र में हुआ है, मुझे लगता है कि दलित चुप बैठने वाले नहीं। अब वो स्थिति नहीं है कि वो हर दिन सहन करते रहेंगे, कहां कहां सहन तो करेंगे, सहनशीलता की एक सीमा एक है, सीमा है, और मुझे लगता है कि वो सीमा हद पार कर चुकी पार है, और इसीलिए लोग सड़क पर हैं। और मुझे तो लगता है कि देश भर में भीमा कोरेगांव की इस घटना के विरोध में लोग सड़कों पर उतरेंगे और अपने लोकतांत्रिक तरीके से, जो भी शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता है, वो अपना गुस्सा अभिव्यक्त करेंगे। तो इसको अगर हम ये भी देखें कि अगर ये जो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं और ये देश की आजादी के या 50 या 1950 में संविधान बनने के बाद है, तो जो राजनीतिक अधिकार मिल रहे हैं, इसलिए बार बार जब राजनीतिक अधिकार दलित लेने के लिए आगे आते हैं तो बाकी लोगों को लगता है कि नहीं, अब हमें संविधान की समीक्षा करने की बात है। समीक्षा का मतलब है कि उनको ये अधिकार जो मिल रहे हैं इससे शायद उनको लग रहा है कि इनको ऐसा क्यों मिल रहा है। तो क्या ये भी इसमें एक पहलू के रूप में और जुड़ेगा, और जो जिस तरह की सरकार है समीक्षा के नाम पे जो करना चाहती हैं, तो वो भी इसमें कहीं एक समेकित, मतलब ये कहें कि बहुत से घटनाओं का, बहुत से चीजों का मिला जुला रूप दिखेगा आने वाले समय में। मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं वो बात सही है,
क्योंकि कई चीजें एक साथ हो रही है। अभी कुछ ही दिन पहले कैबिनेट मिनिस्टर हेगड़े कहते हैं कि हम संविधान बनाने के करेक्ट लिए, करेक्ट, मेरा मेरा संदर्भ भी वही था। उसके बाद उससे थोड़ा पहले जयपुर में मनु की प्रतिष्ठा का समारोह किया जाता है और उसमें आरएसएस के इंद्रेश कुमार बैठते हैं। भाजपा के केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं हम संविधान बदलना चाहते हैं, आरएसएस के इंद्रेश कुमार मनु को प्रतिष्ठित करने की कोशिश कर रहे हैं और भीमा कोरेगांव में दलितों पर हमला हो रहा है। आज गाजियाबाद में बाबा साहब अंबेडकर की कोर्ट में लग रही प्रतिमा को लेकर के हंगामा किया गया है। तो ये दिखाया जा रहा है या ये महसूस कराया जा रहा है दलितों को कि हम वो सारी व्यवस्थाएं बदल देंगे जो तुम्हें अधिकार संपन्न बनाती है। अगर ये संविधान तुम्हें अधिकार संपन्न बनाता है तो उस संविधान को बदल देंगे, हम मनुस्मृति को पुनः प्रतिष्ठित करेंगे, और अगर ये अंबेडकर तुम्हारी उसका प्रतीक है, तुम्हारे शौर्य का, आक्रोश का, या तुम्हारे बराबरी का, अधिकार का, बराबरी का, बराबरी समानता का, तो उसको हम कोर्ट से बाहर धकेल देंगे। और कोरेगांव को तुम अपने शौर्य का प्रतीक मानते हो तो हम इसको राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे कि तुमने अंग्रेज राष्ट्रवाद के पक्ष में लड़ा था, नहीं कि भारत राष्ट्रवाद के पक्ष में लड़ा था। तो ये इतिहास को एक तरीके से विकृत करके, और जितना भी दलितों का जो आदर्श है उन सबको नष्ट करने का जो कोशिश किया जा रहा है, या संविधान को कमतर करने की जो कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि इसको दलित बर्दाश्त नहीं लेकिन मुझे करेंगे। लग रहा है कि जो घटना है ये राष्ट्रीय नहीं है, अंतरराष्ट्रीय है। किस मायने में अंतरराष्ट्रीय है कि एक ओर जहां पे दुनिया भर में ऐसे लोग चुन के आए जो किसी खास विचारधारा से, या आप कहें कि किसी व्यक्ति संदर्भ की विचारधारा से आए, चाहे अमेरिका में आए हो या भारत में आए हो या अन्य देशों में आए हो, तो एक ओर ये ऑप्रेस्ड जो प्रिविलेज्ड क्लास है वो एक अपने वजूद में दोबारा आया है, साथ ही साथ जो ऑप्रेस्ड है वो इकट्ठा होकर आया है। जैसे यूएस में एवरी ब्लैक लाइफ मैटर, हर एक काले आदमी की जिंदगी महत्वपूर्ण है। तो क्या ये पूरा जो पूरे देश भर में जो ऑपरेशन, दुनिया भर में जो ऑपरेशन के खिलाफ, लोगों के हक हकूक के खिलाफ जो चीज है, और ये जो समुदाय जो बहुत हजारों सालों से वंचित रहा है, चाहे वो रेसिज्म के नाम पे रहा हो, चाहे वो कास्टिज्म के नाम पे रहा हो, चाहे वो पेट्रियार्की के नाम पे रहा हो, तो शायद ये एक जमात बनेगी, इकट्ठा होगी, और ये सब घटनाएं मात्र प्रतीक हैं उन सब में जुड़ने की। मुझे लगता है कि ये वक्त आ चुका है जब उत्पीड़ितों की एक एक अलायंस अलायंस बनने बने। जा रहा है, और ये इसलिए भी बनना जरूरी है क्योंकि विश्वव्यापक जो दक्षिणपंथी उभार है, और जिसमें ये जो उग्र राष्ट्रवाद के नाम पर जो मानवता के मूल्य हैं, समानता के मूल्य हैं, लोकतंत्र के मूल्य हैं, उन सारे मूल्यों को खत्म करके एक विशेष प्रकार की नाजीवादी विचारधारा हावी हो रही है। वो अमेरिका में भी हो रही है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी हो रही है, वो ब्रिटेन में भी हो रही है, और भारत में भी हो रही है। ये विश्वव्यापी उभार है। तो जब इस किस्म के लोग हावी होते हैं तो उत्पीड़ित जमातें भी स्वाभाविक रूप से एक साथ आ रही है, और मुझे लगता है कि भीमे कोरेगांव की जो ये चिंगारी है ये सब जगह पहुंचने वाली है। तो हम ये घटनाएं सुन सकते हैं कि इसके खिलाफ अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियन डायस्पोरा है, खासकर इंडियन डायस्पोरा में वो लोग जो दलित समुदाय से आते हैं, तो वहां भी ये प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। मुझे लगता है कि आप बहुत जल्द ये देखेंगे कि न केवल भारत के हर शहर में भीमे कोरेगांव में जो हुआ उसके खिलाफ लोग उठ खड़े होंगे, बल्कि इसकी विश्वव्यापी प्रतिक्रिया होगी और दुनिया भर में लोग सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि ये विचारधाराओं का संघर्ष है। ये लड़ाई केवल एक घटना नहीं है, केवल एक हमला नहीं है। हजारों सालों का दमन, शोषण, ये जो आप अत्याचार है उसके खिलाफ आप जो देवासुर संग्राम की बात करते हैं, उस समय से लगा के आर्य अनार्य संघर्ष से लगा करके निर्गुण और सगुण का जो संघर्ष है, और जो राष्ट्रीय आंदोलन के दरमियान जो धाराएं समुद्र, जो जो धाराएं समुद्र मंथन, जो 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 धाराएं अमृत, और जो यस यस विष पीने का जो बात तो है। विष पिए हुए लोग जो हैं अब और बर्दाश्त करने वाले नहीं है, और मुझे लगता है कि जबरदस्त प्रतिक्रिया के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि या तो वो तो समुदाय मुझे लग रहा है ये जो प्रतिक्रिया है लोगों की जी वो संविधान के तहत ही होनी चाहिए,
संविधान प्रदत्त नीतियों के तहत होनी चाहिए, संविधान प्रदत्त आपके जो वे आउट है जिसके आधार पे आप चीजें लड़ कर सकते हैं उनके तहत ही होना चाहिए, जब ही हम एक संपन्न देश बना पाएंगे। इतिहास गवाह है कि कभी भी उत्पीड़ितों ने हाँ कानून को हाथ में लेकर के कुछ नहीं किया। सही बात है, तो आप उनसे ये कतई उम्मीद ही मत कीजिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ करके, अराजकता का माहौल बना करके कुछ करने वाले हैं। वो तो संविधान के के तहरे दायरे में अपनी ही लड़ाई लड़ेंगे। करेंगे, सही शांतिपूर्ण ही करेंगे, अहिंसक ही करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि हिंसा की राजनीति हो, चाहे अलोकतांत्रिक रवैया हो या अराजकता का वातावरण हो, वो किसी के लिए हितकर नहीं है। और इस देश के मूल निवासी कभी भी इस देश को नुकसान पहुंचाने का कोई काम करने वाले नहीं है। लेकिन वो ये संदेश जरूर देने वाले हैं कि आप हमको नुकसान पहुंचाते रहेंगे और हम चुप रहेंगे, ये आपने वो हम चलाया चुप नहीं रहेंगे। तो वो चुप्पी और खामोशी तोड़ने का शायद ये मौका है और ये आगे बढ़ने वाला। धन्यवाद मामा जी, इन सारी बातों पे लोगों को जागरूक करने के लिए, समझाने के लिए थैंक यू आपका वेरी बहुत मच। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।